तो अब नेक्स्ट डेरिवेशन अपन ले रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेस ठीक है तो ये स्फेरिकल सर्फेस है और इस स्फेरिकल सर्फेस में जो केस हम स्टडी कर रहे हैं वो है वेन इमेज इज रियल इमेज क्या है वेन इमेज इज रियल एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम ऑब्जेक्ट जो है कहां in, कहां हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा रेयर मीडियम है रेरियर मीडियम में है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू वन है ठीक है रेरर मीडियम रेरर मीडियम में है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू वन है और जो इमेज है ठीक है इमेज जो बन रही है हमारी इमेज बन रही है डेंसर मीडियम में कहां बन रही है डेंसर मीडियम में बन रही है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू टू डेंसर मीडियम जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है म्यू टू ठीक है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है हमने अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से अपन लेते हैं इंसिडेंट लाइट रे ठीक है तो मान लो ये इंसिडेंट लाइट रे है ये इंसिडेंट हुई सरफेस पे इधर आके तो ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई ये इंसिडेंट हुई जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है वहां पर अपन एक नॉर्मल ड्रो करेंगे तो ये नॉर्मल ड्रॉ करा अपन ने ये नॉर्मल ड्रॉ करा अब आप जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है ठीक है नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर कट करा इस पॉइंट को अपन कर देते हैं सी क्या कर देते हैं सी ठीक है C. अब ये इंसिडेंट लाइट रे है देखो बाहर रेर मीडियम है अंदर कौन सा मीडियम है डेंसर मीडियम है तो रेयर से डेंसर में जब लाइट रे जाती है तो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल कैसी बैंड होती है इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल तो टूवर्ड्स द नॉर्मल उसको बैंड करना इस तरीके से तो ये आपकी इमेज बन जाएगी ठीक है फाइनली यू विल गेट इमेज ये हो गई इमेज यहाँ पर आई तो पहली बात तो ये रे डायग्राम समझ में आया है, नहीं आया ये बताओ इस पॉइंट को हम एम कर देते हैं ये एम कर दिया और यहाँ से एक प्रपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इधर और इस पॉइंट को हम कर देते हैं एन बोलो ये समझ में आया रे हाँ, सर रेडाइग्राम समझ में आया आपको ठीक है अब देखना आगे ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे इंसिडेंट एंगल तो ये आई तो आपका इंसिडेंट एंगल हो गया ऐसे ये जो रिफ्रेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी आपके नॉर्मल के साथ वो रिफ्रेक्टेड एंगल हो जाएगा इसको आर से डिनोट कर दिया ठीक है समझ में आ रहा है एक प्रपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एम से एन एम से जो प्रिंसिपल एक्सिस तो है उस तो एम एन तो प्रपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ तक समझ में ना ये जो एंगल है इसको हम एल्फा से डिनोट कर, कर, कर रहे हैं किससे डिनोट कर रहे हैं एल्फा से दिस एंगल आई एम डिनोटिंग बाय बीटा ये एंगल बीटा से डिनोट कर रहे हैं एंड दिस एंगल आई एम डिनोटिंग बाय गामा किससे डिनोट कर रहा हूँ गामा से अभी बताओ पूरा डायग्राम समझ में आया पूरा डायग्राम समझ में आ रहा है तो केस हम ये स्टडी कर रहे हैं कि व्हेन इमेज इज रियल इमेज जो है वो रियल वैसे ही मेरा अब ये क्या है स्पेरिकल सरफेस है ठीक है तो इमेज जो फॉर्म हो रही है ये आई हमारी इमेज फॉर्म हो रही है इमेज कैसी है रियल इमेज है ठीक है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है रेर मीडियम में इमेज कहाँ फॉर्म हुई है अपनी डेंसर मीडियम में इमेज फॉर्म हुई है ठीक है और इस तरह से हमारे पास डायग्राम है डायग्राम क्लियर है तो देखो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ कि इन एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं कि इन ट्राइंगल अब ये ट्राइंगल देखो आप ओ एम ठीक है O, M, और यहां से ले लेते अपन ठीक है, ट्राइंगल रहा so तो है एल्फा प्लस वन एट्टी डिग्री ये ये लाइन आ रही है देखो ये लाइन नॉर्मल ड्रॉ करिए ना अपन ने तो ये पूरा एंगल वन एट्टी का होगा इसमें से आई को माइनस कर दो तो वन एट्टी माइनस आई मिलेगा आपको ंगल ले रहा हूँ मैं कौन सा ले रहा हूँ ओ एम सी ओ एम सी वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ इसमें ये जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल कितना होगा बोलो पूरा माइनस आई होगा ना आये समझ में ठीक है तो अल्फा तीनों जो ट्राइंगल के तीनों एंगल जो है उनका एडिशन होगा कितना डिग्री होगा ठीक है तो एल्फाइल तो प्लस, प्लस हाँ, हाँ प्लस ही करेंगे इसको ये प्लस में आएगा ठीक है तो एल ये पूरा एडिशन कर दिया आपने में ठीक है अब आये से देखो ये 180 से तो वन एट्टी कैंसिल हो जाएगा ये वन एट्टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ठीक है तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास आई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एल्फा प्लस एल्फा प्लस गामा ये एक इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन आये सोज में क्लियर है यहाँ पे हम्म ऐसे yes, ही अपन लेते हैं कि इन ध्यान से देखना फिर देखना इन ट्राइंगल अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेता हूं। नेक्स में देखो आप ये ट्राइंगल है अपने पास सी एम आई ठीक है इन सी एम आई में ट्राइंगल ले रहा हूं तो इस सी एम आई में देखो आप सी एम आई में देखो एक तो ये एंगल आर एंगल बीटा है तो एंगल आर प्लस एंगल बीटा और प्लस ही आ जाएगा वन एट्टी माइनस 180 माइनस गामा ठीक है और इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ आया हाँ सर हम्म तो अब 180 माइनस ये ये इंटीरियर एंगल है ना ये वाला ये कितने का आएगा 180 माइनस गामा का आएगा ना ये ठीक है तो ये सब अब इसको सॉल्व करो आप देखो 180 से दे वन कैंसिल हो रहा है आपका इसको कैंसिल कर दो है ना सो यू विल गेट आर बीटा ठीक है आर प्लस बीटा इजिकल टू कितना जाएगा गामा हो जाएगा आर प्लस बीटा इजिकल टू गामा हो जाएगा है कि नहीं तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी ये सेकेंड इक्वेशन आ गई क्लियर है यहाँ तक अभी हम क्या लिखते हैं कि इसमें जो आपका डाइग्र रे डायग्राम है इसमें अगर मैं टेन अल्फा निकालू तो टेन अल्फा देखो ट्राइंगल देखो कौन सा आएगा टेन अल्फा के लिए मैं ट्राइंगल ही ले रहा हूँ एमओ एन ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ एमओ एन तो एम ओ एन जो ट्राइंगल है उसमें टेन अल्फा क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस

ठीक है ये तो अल्फा आ गया अब ऐसे yes एक एक सारे एंगल निकालना है अल्फा आ गया अपने पास अब बीटा के लिए क्या करते हैं बीटा के लिए अपन ये वाला ट्राइंगल लेते हैं देखो बीटा के लिए ट्राइंगल कौन सा एम आई एन जो है वो है हमारे पास एम आई एन तो एम आई एन में देखो टेन बीटा निकालते हैं अपन टेन बीटा वही ही बाय बेस आएगा तो ऊपर तो एम एन आ जाएगा प्रपेंडिकुलर क्या एम एन आ गया और बेस क्या आ गया आपका आई एन बेस क्या आ गया आई एन अगेन एन और पी वेरी क्लोज है तो आई एन को अपन क्या कर देंगे आई पी कर देंगे ठीक है आई एन को क्या कर देंगे आई पी कर देंगे और बीटा स्मॉल है, है ना? तो बीटा बीटा हो जाएगा, और ये एम एन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका आई पी हो जाएगा आया समझ में यहाँ तक ठीक है इसके बाद देखो नेक्स्ट ट्राइंगल देते हैं अपन ट्राइंगल ये वाला एम सी एन ट्राइंगल एम सी एन तो इस ट्राइंगल में हम निकालते हैं टेन टेन गामा तो टेन गामा वही एम आ जाएगा ठीक है और एम एन डिवाइड बाई क्या जाएगा अगेन जो और ये टेन गामा जाएगा तो ये एम एन डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ तक क्लियर है एक तरफ अपन पी कर रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि सारी डिस्टेंसेज पोल से लेनी है ना अपन को ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे अभी देखना है एमें, एमें, एमें आ रहा है ना चाहे तो उसको तो तो नहीं नहीं हाँ, वो सब कैंसिल हो, होने वाले हैं अभी इसलिए उसमें मैं पी नहीं कर रहा हूँ बट नीचे पी इसलिए करा है क्योंकि सारी डिस्टेंसेज पोल से लेनी है अब देखो ये नॉर्मल है नॉर्मल ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो क्या बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो बनेगा तो सी से लेके पी तक क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी समझ रहे हो बात तो ये होने वाला है अभी इसमें आगे अब अगर हम इसमें स्नेल स्लो लगा दें अब क्या करते हैं अपन स्नेल्सो लगाते हैं स्नेल स्लो लगाते हैं तो देखो अपनी रे कहा जा रही है रे, रे आ रही है अपनी रेर मीडियम से डेंसर मीडियम में ठीक है तो अगर हम इसमें स्नेल्सलो इस लगाए की बायो बाय स्नेल्सो तो स्नेल स्लो लगाओगे तो होता क्या है साइनाई साइनाई डिवाइड बाय साइन आर ठीक है तो ये होता क्या था अपना एन टू वन के बराबर था ये मैंने जो बताया था आपको और एन टू वन इज इकल टू क्या था एन टू डिड बाय वन था एक है नहीं ये फॉर्मूला है ना अपना कल करा है ना लास्ट क्लास में स्टडी अपन ने ठीक है तो यहाँ से ना ठीक है ठीक है अब अगेन जो एंगल है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रेक्टेड एंगल जो है वो स्मॉल है वेरी स्मॉल है तो वेरी स्मॉल है बिकॉज हम ये कहते हैं बिकॉज I and R very small तो हम क्या कर सकते हैं इसको अपन कर देंगे आई डिवाइड बाई आर equal to क्या हो जाएगा two divide by mu one हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसको हम क्या कर सकते हैं आई म्यू वन equal to R mu two ठीक है अब I क्या है क्या है फाइंड आउट किया हुआ आपने तो ंगल तो से निकाल लो आप रिफ्रेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा ये ध्यान रखना हुआ ये गामा है ठीक है गामा माइनस बीटा हो जाएगा रिफ्रेक्टेड एंगल है ना तो इसको यहाँ पर पुट कर दो आप गामा माइनस गामा माइनस बीटा ठीक है अब क्या है आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट की हुई है सारी यू हैव ऑल द वैल्यूज लाइक इक्वल टू एम एन डिवाइड बाय ओपी ठीक है इज हाउ मच एम एन डिवाइड बाय ओपी दिस वन इज एल्फा ठीक है प्लस गामा देख लें अपन गामा क्या है गामा इज हाउ मच एम एन डिवाइड बाय सी ओके सो इट इक्वल टू एम डिवाइड बाय सी ओके नाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू टू म्यू टू देन गामा गामा भी पुट किया है ठीक है माइनस बीटा बीटा देखें कितना है बीटा इज एमएन डिवाइड बाई आई पी सो दिस विल बी एम एन डिवाइड बाय आई पी सो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था ये सब कैंसिल हो रहे हैं देखो ये एम एन एम एन कैंसिल हो गया ठीक है सो so, ये म्यू वन आ गया आपके पास म्यू वन इज इकल वन डिवाइड बाय ओपी ओके देन प्लस वन डिवाइड बाय एक बार वापस अपन ने अल्फा की वैल्यू ऐसे रखी है ना कि टेन अल्फा को अपन अल्फा के बराबर मान लिया हाँ सारे स्मॉल एंगल्स है ना वो इसलिए ठीक है और ये आ जाएगा आपका म्यू टू देन वन अपॉन ठीक है माइनस वन सो यू विल गेट दीज वैल्यूज़ अब देखो इनमें पहले हम देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे ओपी ओपी क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ओपी क्या करोगे आप माइनस यू रखोगे ठीक है ना इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस यू आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ओपी आ गया सीपी इज इक्वल टू क्या होगा सीपी इज इक्वल टू प्लस आर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है और आईपी आईपी आई पी क्या इमेज डिस्टेंस है तो प्लस का वी डैश वीडेश प्लस का वी होगा तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक no, हाँ, है, हाँ इजी है साइन कन्वेंशन से पुट करेंगे तो ये म्यू वन हो गया वन डिवाइड बाय ओपी ओपी इज हाउ मच माइनस यू ठीक है प्लस ये सीपी हो जाएगा आर तो ये आर आ गया आपके पास इजिकल टू म्यू टू देन सीपी, वापस से रख दो आप सीपी पी इजिकल टू कितना जाएगा ये आर आ जाएगा ये आर रख देते यहाँ पे है ना एंड माइनस वन अपॉन आई पी देखो आप कितना है आईपी कितना था अपने पास ये रहा वी तो आईपी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे अपन वी पुट कर देंगे ठीक तो है तो ये आपका पास आएगा माइनस म्यू वन डिवाइड बाय माइनस वन डिवाइड बाय यू प्लस म्यू वन डिवाइड बाय आर ठीक है इक्वल टू म्यू टू डि म्यू टू है ये म्यू टू डिवाइड बाय आर माइनस म्यू टू डिवाइड बाय ठीक है इसको अरेंज करना है हमें

फॉर्मूला हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास ठीक है वेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम एंड इमेज इज इन डेंसर मीडियम ठीक है तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा दिस इज अ फॉर्मूला